आपका अपना YouTube चैनल द मास्टर आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जूनियर हाई स्कूल में जो शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन आने वाला है उसमें गणित का क्या पाठ्यक्रम रहेगा, गणित का क्या सिलेबस है, हमें कितनी गणित पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और किस लेवल पर पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल गणित के ही पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आपके जो आपको पता होना चाहिए कि 1894 पदों के लिए विज्ञापन आने वाला है उसमें आपका 50 नंबर का जो जीएस होगा जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी आएगा और रीजनिंग भी आएगी, ये तो कॉमन है। और बाकी आपके जो चार सब्जेक्ट हैं चारों में से कोई आपको एक भरना है। अगर आप भाषा चूज करते हैं तो भाषा में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में से कोई एक लेना है। अगर आप गणित विषय चूज करते हैं तो इसी का आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और अगर आप विज्ञान चूज करते हैं तो 100 नंबरों का आपका विज्ञान का प्रश्न आएगा। अगर आप सामाजिक विषय चूज करते हैं तो 100 नंबरों की सामाजिक विषय आएगी। और भाषा में अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो 100 नंबरों की हिंदी आएगी। संस्कृत भी 100 नंबर का होगा और अंग्रेजी भी 100 नंबर का होगा। तो इनमें से आप कोई भी एक विषय के अध्यापक आप बन सकते हैं। और बाकी 50 नंबर का आपका जीएस जिसमें करंट अफेयर्स और रीजनिंग भी रहेगा ये तो रहेगा ही। तो 50 इधर से और 100 इधर से कुल मिला के आपका 150 नंबर की परीक्षा होगी। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चर्चा हम लोग अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। चलिए हम लोग आज अपने गणित के पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। तो ये भैया हमारा गणित के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने से पहले हम लोग जीएस का पाठ्यक्रम देख लेते हैं। और ये आपका जीएस का पाठ्यक्रम है जो कि 50 प्रश्न आपके 50 नंबर के आएंगे। ठीक है, क्योंकि गणित में आप 50 नंबर का जीएस देंगे जिसमें आपका करंट अफेयर्स और रीजनिंग भी रहेगा और 50-100 नंबर की आप जो है मैथ देंगे। तो कुल मिला के आपका टोटल 150 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो पहले ये हमारा सिलेबस है, हम इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो 50 नंबर का आपका जीएस आएगा उसमें सामान्य ज्ञान रहेगा, समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स रहेगा और तार्किक ज्ञान रहेगा। देखिए ध्यान से इसको पढ़िए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं यानी कि आपके ये करंट की ही बात कर रहा है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही आपको कायदे से पढ़ना है, खासकर महात्मा गांधी ने जो कुछ भी किया था 1915 के बाद उसको आपको बहुत ही कायदे से पढ़ना है। भारत के भूगोल के बारे में पढ़ना है, भारत की नदियाँ, भारत के पहाड़, भारत का जो भी मिट्टी है उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, तो संविधान के बारे में यानी कि जिसे हम लोग पॉलिटी कहते हैं वो भी हमें पढ़ना है। आर्थिक और सामाजिक विकास, इसको हम लोग इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र कहते हैं, ये हमें पढ़ना है। सतत विकास, गरीबी के बारे में जो भी रिपोर्ट आई है और सामाजिक क्षेत्र, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यानी इकोनॉमिक्स भी है आपका, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है और हिस्ट्री भी है। ध्यान रखिए पूरी डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें सॉल्ट में ही पढ़ना है। यानी लूसेंट की अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो लूसेंट की बुक भी इस तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा है। क्लियर। और पर्यावरण, अगर आपका यूपी टेट का एग्जाम होगा, सुपर टेट का एग्जाम होगा या कोई भी शिक्षक भर्ती होगी तो उसमें पर्यावरण के क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कक्षा 3 से ही पर्यावरण पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है और 6, 7, 8 में तो पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो आपको 6, 7, 8 का ही अध्यापक बनना है तो पर्यावरण के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तो पर्यावरण जरूर आएगा। और सामान्य विज्ञान, ये जो विज्ञान है ये कक्षा 8 तक का ही आएगा। ठीक है, तो कक्षा 8 तक का आएगा, आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का विज्ञान नहीं पढ़ना है। छोटा सा हल्की फुल्की जानकारी लेना है सामान्य विज्ञान के बारे में, खासकर जो आपके रोग होते हैं यानी कि बीमारियां जितने हैं और विटामिन्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बस कुछ बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ना नहीं है। और हमारे रीजनिंग है, रीजनिंग में कुछ हमारे टॉपिक है, 4-5 टॉपिक हैं। तो जब हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करेंगे तो रीजनिंग पे ये जो आपका सिलेबस दिया गया है इस रीजनिंग के सिलेबस को हम लोग कवर कर लेंगे। अब हमारे इस जो है पाठ्यक्रम बताने का, ये सिलेबस बताने का मतलब ये है कि ये जितना भी आपको सिलेबस बताया जा रहा है इन सारे आपके पाठ्यक्रम की तैयारी कराई जाएगी। यानी इस 50 नंबर की पूरी पूरी गारंटी ली जाती है जो वीडियो इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आप उसको देख लेते हैं तो इस 50 नंबरों में आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके कवर करा लिए जाएंगे। 10 मिनट या 15 मिनट की ही वीडियो उपलब्ध होगी, उसको आप अगर आप देखते रहिए और आपकी इस 50 नंबर यहाँ से पूरा पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चिंता करने की बात नहीं है। ये बहुत ही आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत ही बड़ा सिलेबस है जिसमें ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और करंट सब कुछ पढ़ना है, लेकिन सब डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऊपर ऊपर ही पढ़ना है।
ठीक है, ऊपर ऊपर मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ना है, और इससे संबंधित वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा, आप बस उसको देख लीजिए, आपके 50 नंबर की तैयारी हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये 50 नंबर का हमारा कंप्लीट हो गया, अब आप आगे बढ़ते हैं अपने मैथ के 100 नंबर के सिलेबस पर। ये भैया हमारे मैथ का 100 नंबर का सिलेबस है, इसको ध्यान से पढ़िए, और चूंकि देखिए आप अगर सिलेबस ही समझ जाते हैं, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट की आपने तैयारी किया होगा, सुपर टेट की तैयारी किया होगा, या फिर आप शिक्षक भर्ती के फॉर्म भरने वाले हैं, तो अगर आप सिलेबस को ही ध्यान से समझ लेते हैं, किस विषय में कितना पढ़ना है, किस विषय को कितना समय देना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कम इम्पॉर्टेंट है उसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसको ही समझ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% गारंटी हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आप समझ लीजिए कोई टॉपिक जो है वो 3 पेज का है, 3 पेज का टॉपिक है, ठीक है, मान लेते हैं मैथ का ही सिलेबस ले लेते हैं, कोई आपका टॉपिक है वो 3 पेज का है, और आपको इससे पता है कि इससे 5 नंबर का आएगा, 5 अंक का इससे आएगा, ठीक है, और कोई टॉपिक जो है 10 पेज का है और आपको इससे पता है कि इससे मात्र 2 अंक का ही पूछा जाएगा, 2 नंबर का पूछा जाएगा, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है, पहले इसको कवर कर लीजिए, ये पूरा 3 पेज वाला जो टॉपिक है, ये छोटा सा जो आपका सिलेबस होगा या छोटा सा कोई टॉपिक होगा उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, अपने 5 नंबर कवर कर लीजिए, फिर समय मिलता है तो इस वाले टॉपिक को पढ़िए। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको पहले पढ़ के कवर कर लिया जाता है, पासिंग मार्क तक हम लोग पहुँच जाएँ, उसके बाद हम लोग टॉप करने का सोचते हैं। ये हमारे किसी भी परीक्षा की तैयारी करने की महत्वपूर्ण रणनीति होती है। आप पहले ही दिन से टॉप करने के बारे में मत सोचिए। अगर आपका पेपर 150 नंबरों का आपका पेपर है, टोटल 150 नंबरों का पेपर है, तो आप करिए 1 नंबर की पहले तैयारी करिए, फिर जब 1 नंबर आ जाए तो फिर 2 नंबर की, फिर 3 नंबर की, फिर 4 नंबर की, फिर 5 नंबर की, इस तरह एक एक नंबर की तैयारी करते हुए 120, 125, 130 तक पहुँचने की कोशिश करिए। टॉप के बारे में मत सोचिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो टॉप करना होगा तो वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए ज्ञान बहुत हो गया, अब सिलेबस की बात करते हैं। तो भैया ये हमारा गणित का सिलेबस है, इसमें देखिए प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं, ये हमारा पहला टॉपिक है। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताना है, पूर्ण संख्याओं के बारे में बताना है, परिमेय संख्याओं के बारे में बताना है, इससे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, ये आपका 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, इसको जल्दी ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। दूसरा है पूर्णांक कोष्टक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ये जो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक है ये आपके 6 से 8 तक के सिलेबस में अच्छी तरीके से समझाया गया है, और ये प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं भी आपके 6 से 8 तक के सिलेबस में बताया गया है। अब यहाँ पर 2 चीज़ों को आप समझ लीजिए, जब भी आपका एग्जाम होगा इसको हम लोग पहले सिलेबस को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और आगे थोड़ी छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं। देखिए एक वो स्टूडेंट होते हैं जिन्हें परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाना है, यानी कि 100 नंबरों का आपका मैथ का एग्जाम होगा, तो एक वो स्टूडेंट होंगे जो 100 में से 100 नंबरों की तैयारी करेंगे, लेकिन हो सकता है किस्मत खराब रही तो हो सकता है उनके 95 नंबर आ जाए या 90 नंबर आ जाए। दूसरे वो स्टूडेंट हैं जो मैथ में थोड़े से कमज़ोर हैं, जो ये सोचेंगे कि हमारा किसी तरह 80 नंबर ही आ जाए, 80 ना आ पाए तो 75 नंबर ही आ जाए, तो ये हो गया कमज़ोर स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जो 100 नंबर की नहीं सोच रहे हैं, और ये हो गया अच्छे स्टूडेंट के लिए जो हमारा 100 नंबरों के लिए सोच रहे हैं, हो सकता है 100 भी आ जाए, 95 आए, या हो सकता है 90 भी आ सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जिन्हें मैथ बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी है, उनके लिए यूट्यूब पर इसी हमारे द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैथ का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी वीडियो हमारी बनाई जा चुकी है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ मैथ के कंप्लीट कोर्स वाली वीडियो देखिएगा, और बहुत ही अच्छे से लॉजिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से मैथ को पढ़ाया गया है, आप वहाँ पर जाके इसकी तैयारी करिएगा। तो मैथ जब आप कुछ अच्छे लेवल का पढ़ेंगे तभी आप 100 में से 100 नंबरों का सोचिए। तो आपके लिए क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, मैथ के कंप्लीट कोर्स में जाना है, वहाँ पर एक एक वीडियो आपको देख लेना है, 3-4 चैप्टर इसमें ख़त्म हो चुके हैं और हम लोग जल्दी ही परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं, तो परसेंटेज आप लोग यहां से पढ़िएगा कंप्लीट कोर्स से, ठीक है। और जिनको 80 नंबर या 75 नंबर से ही संतोष है, ऐसे लोगों के लिए हम लोग जो है जल्दी ही वीडियो जल्दी ही बनाने वाले हैं, ठीक है। तो
तो ऐसे लोग दो तरह के लोग हैं, जिनकी मैथ कमज़ोर है उनके लिए वीडियो जल्दी ही आएगी, और जिनकी मैथ थोड़ी बहुत अच्छी है, जो अच्छे लेवल से मैथ को पढ़ना चाहते हैं, वो मैथ के कंप्लीट कोर्स में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने सिलेबस वाले टॉपिक पर। ये तो इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको बता दी गई। अब सिलेबस में क्या है, तीसरा टॉपिक है वर्गमूल, घनमूल और सर्वसमकायें। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है, और सर्वसमकायें का मतलब होता है जितने भी आपने अपने बचपन से लेके अब तक फार्मूले पढ़े हैं वो सारी सर्वसमकायें होती हैं। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा होगा, जितना भी आपने फार्मूले पढ़े हैं वो सर्वसमकायें कहलाती हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है ये भी कक्षा 6 से लेके 8 तक का टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन हाई लेवल के होते हैं, तो हाई लेवल भी पढ़ाया जाएगा और नॉर्मल लेवल भी पढ़ाया जाएगा, यानी कि आपका 10वीं लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बीजगणित। तो बीजगणित के बारे में कक्षा 6 में पहली बार पढ़ाया जाता है, जिसमें चर संख्याएं क्या होती हैं, चर संख्याएं क्या होती हैं, चर संख्याओं की घात, ये सारी चीज़ें आपको कक्षा 6 में पहली बार पढ़ाई जाती हैं, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं बीजगणितीय व्यंजनों का जोड़ना। तो भैया बीजगणित के व्यंजन को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये कक्षा 6 में पढ़ाया जाता है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन ये बात नहीं है। बीजीय व्यंजकों के पद एवं पदों का गुणांक, ये भी कोई नॉर्मल चीज़ है, या लिखा है इसलिए आपको कठिन लग रहा है, जब पढ़ेंगे तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। सजातीय और विजातीय छांटना, ये मतलब आपको देख के बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आप कक्षा 6 की अगर बुक उठा लेंगे तो उसमें भी ये आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया गया है। व्यंजकों की क्या डिग्री होती है, 1, 2 और 3 पदीय व्यंजकों की अवधारणा, ये सारी कक्षा 6 और 7 की चीज़ें हैं। अभी सिलेबस पढ़ने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन जब आपको वीडियो प्राप्त होगी तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान चीज़ है। आगे युगपत समीकरण, युगपत समीकरण भैया कक्षा 8 में है, वर्ग समीकरण भी कक्षा 8 में है, रेखीय समीकरण भी कक्षा 7 और 8 में है, ठीक है। आप देख रहे हैं सारा सिलेबस आपका कक्षा 8 की बुक से ही लिया गया है। आगे समांतर रेखाएं और चतुर्भुज की रचनाएं और त्रिभुज, अब देखिए ये भी कक्षा 6 से 8 का सिलेबस है, लेकिन इसको आपको हाई स्कूल लेवल का पढ़ना है, यानी बहुत अच्छी लेवल से पढ़ना है। हाई स्कूल के जो ट्रिकी सवाल होंगे वो भी लगाना है। समांतर रेखाओं का मतलब होता है इस प्रकार की दो जो रेखाएं होती हैं उनके बीच जितने कोण बनते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, वो सारे पढ़ना है। चतुर्भुज से मतलब होता है आयत होता है, समचतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग है, जितने हैं सब कुछ पढ़ना है, और त्रिभुज जितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं उनमें कौन कौन से कोण बनते हैं, कौन कौन से फार्मूले बनते हैं, सब आपको पढ़ना है। कक्षा 6 से 8 का स्तर अगर पढ़ेंगे तो ये तो बहुत ही आसान है, इतने स्तर का नहीं, हाई स्कूल लेवल का पढ़ना है, जो आप अगर लेखपाल का या UP SSC की परीक्षा देने वाले हैं उसमें जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर पढ़ना है, कुछ अच्छे लेवल का, अगर आप 100 नंबरों की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ के 100 नंबरों की। आगे पढ़ते हैं वृत्त के बारे में पढ़ना है, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज बहुत अच्छी इसके प्रमेय हैं, 8-10 प्रमेय होती हैं, बहुत ही अच्छी हैं, और वृत्त की स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाओं में 3-4 समीकरण होती हैं, उन्हें ही पढ़ना है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारी चीज़ें आपकी कक्षा 7 और 8 में हैं, 7 और 8 में हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन उस लेवल का नहीं पढ़ना है। इसको आपको कहाँ से पढ़ना है, जो मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई गई है वहाँ से आपको पढ़ना है। ये आपको जल्दी ही इसके वीडियो प्राप्त हो जाएंगे, और ये लेक्चर जो है, ये वाला जितना टॉपिक है इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। कक्षा 7 और 8 का स्तर नहीं पढ़ना है, वो तो बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल से पढ़ना है, यानी कि आपके UP SSC या SSC की तैयारी करते हैं, तो उस स्तर का आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये इसमें ज़्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ कक्षा 8 तक का स्तर जो है वही हमें पढ़ लेना है, उसी से काम चल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पाई और दंड चार्ट, ये भी कक्षा 8 का ही लेवल हमें पढ़ना है, हाई स्कूल लेवल या इंटरमीडिएट लेवल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। संभावना, जिसे प्रायिकता कहते हैं, दंड आरेख और मिश्रित दंड आरेख, ये आपको कक्षा 8 या इसको हाई स्कूल लेवल पढ़ लीजिए, कोई क्योंकि संभावना यानी जिसे हम लोग प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, तो हाई स्कूल लेवल का हम लोग इसको पढ़ लेंगे। अगला होता है कार्तीय तल और क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, फिर घातांक तो और ये त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति आपके कक्षा 8 में है, इन कक्षा 8 का लेवल नहीं पढ़ना है, हमें हाई स्कूल वाले लेवल से त्रिकोणमिति पढ़ना है, जो आपको SSC में पढ़ाई जाती है वही त्रिकोणमिति पढ़ना है। घातांक भी आपको अच्छे स्तर का पढ़ना है, क्योंकि कक्षा 8 में भी घातांक का चैप्टर है,
वो लेवल नहीं, कम से कम हाई स्कूल या यूपी ट्रिपल एससी वाला लेवल हमें लेके चलना है। और कार्तीय मेंसुरेशन का मतलब होता है कि क्षेत्रमिति के जितने भी हमारे फार्मूले होते हैं वो सब हमें पढ़ना है, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, जितने भी होते हैं सब सभी हमें पढ़ना है। और कार्तीय तल में हमें वॉल्यूम के बारे में भी पढ़ना है, चाहे वो घन हो, घनाभ हो, जो भी हो, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि अगर आपके को 70 से 80 या 85 नंबरों की उम्मीद है तो नॉर्मल लेवल से आपको पढ़ना है, कक्षा 8 का लेवल पढ़ लीजिए या कक्षा 9 का लेवल पढ़ लीजिए। अगर आप 100 में से 100 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको UP SSSC यानी कि लेखपाल वगैरह या फिर लोअर में जो भर्तियां आती हैं उसके लिए जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं उस स्तर का आपको पढ़ना होगा। आपका सिलेबस बहुत ही आसान है लेकिन तैयारी आपको करना है, इसमें हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। ये जितना भी आपको सिलेबस लिखा गया है इसकी पूरी आपको वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी और ये वीडियो आपको कल या परसों से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, उम्मीद है आप पूरे सिलेबस को समझ गए होंगे, हमें किस लेवल की तैयारी करनी है, किस ले कहाँ पर हाई लेवल को ले जाना है, कहाँ पर हमें लो लेवल रखना है। और हमारा टारगेट यही रहेगा कि 100 में से कम से कम 90 या 95 नंबर हमारा आ जाए मैथ में और GS में कम से कम 50 में 40 नंबर आ जाए। तो कुल मिला के 130 से 135 नंबरों का टारगेट बना के इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।